गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से विद्या फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास परमार और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं परसेंटेज का चैप्टर। एक ऐसा टॉपिक जो मैथ्स में अरिथमेटिक यानी बीजगणित का 60-70% पार्ट कवर करता है। देखा जाए तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज, अपने आप में परसेंटेज है ही सही। इसके अलावा कई टॉपिक जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, उसके बाद डिस्काउंट, DI, वर्क एंड टाइम, फिर बात करें तो स्पीड डिस्टेंस टाइम, यानी कई सारे टॉपिक्स में हमारा परसेंटेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए सबसे मेन काम हमारा रहेगा परसेंटेज को अच्छे तरीके से सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम परसेंटेज की। तो क्या होता है प्रतिशत? कई बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका हर 100 होता है, या हिंदी में जो लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ परसेंट, प्रतिशत यानी प्रति 100 पर। बात आ रही है समझ में? जिस किसी संख्या के बटे में 100 हो या प्रति 100 हो उसे कहा जाता है प्रतिशत। यानी कि कोई संख्या दे दी हमको, कहा गया 1000 का 20% ज्ञात करें। अब ये 20% इसको इस तरीके से समझो कि इसका 20वां हिस्सा, यानी कि अगर हम बात करें तो हर वो उसका हिस्सा, उस पूरी संख्या जो संख्या हमको दी गई है उसका उतना हिस्सा कहलाता है प्रतिशत। यानी 1000 का जो 20वां हिस्सा होगा वो हमारा कहलाएगा 20%, दूसरा हिस्सा होगा 2%, तीसरा होगा 3%, इसी प्रकार से पूरा 100 तक। ठीक है, आगे हम बात करें तो प्रतिशत की तुलना हमेशा किससे की जाती है? 100 से। यानी जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी की सैलरी की बात करते हैं, किसी की इनकम की बात करते हैं या किसी कोस्ट प्राइस की, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? 100% प्राइस उसकी ये होगी, ये 100% सैलरी उसकी जो भी गिवन है। ठीक, आगे बात की जाए तो प्रतिशत का कंपैरिजन हमेशा 100 से होता है, जबकि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जो यहां पर वैल्यूज मैंने लिख रखी है, बटे में जो चीज दी गई है वो भिन्न कहलाती है हमारी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की तुलना हमेशा 1 से होती है। प्रतिशत की तुलना करेंगे हम 100 से और फ्रैक्शन की तुलना होगी 1 से। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज आप लोगों को लिख करके दिए, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या कई स्टूडेंट्स को याद भी होगा, पढ़ा होगा उन्होंने। ठीक है, जैसे कि बात करें हम तो 1 फ्रैक्शन में कंपेयर करेंगे तो 1 से करेंगे, परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो 100 से, इसलिए 1 इक्वल्स क्या होता है? 100%। 1/2 हो जाएगा आपका 50%, 1/3 हो जाएगा 33.33%, या 33 इंटीजर 1/3%। 1/4 की बात करें तो 25%। अब ये सारी वैल्यूज आई कहां से? एक बार जरा यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। प्रतिशत को हमको बदलना है भिन्न में, तो वहां हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर उठाकर हम देखते हैं 1/4 का, या 25%। 25% को हमसे कहा गया कि भिन्न में बदलिए, तो यहां से मैं ये प्रतिशत का साइन हटा दूंगा और बटे में 100। 25 से काटेंगे एक बार में और 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में, तो यहां पर आंसर हमारा आ रहा है कितना? 1/4। यानी कि परसेंटेज को जब भी हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, वहां डिवाइड कर देंगे 100 से। उसी प्रकार से फ्रैक्शन को जब हमको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, ध्यान दीजिएगा, भिन्न की बात की जा रही है, फ्रैक्शन भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो यहां 100 से गुणा हो जाएगा। जैसे 1/4 हमारे पास भिन्न गिवन है,
इसको हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको काटेंगे, 4 टू जा 8, 4 फाइव जा 20, तो यहां पर आ गया आपका 25%। तो गाइस मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है। अब यहां जो फ्रैक्शन वैल्यूज मैंने आप लोगों को बोर्ड पे जो दिखाई दे रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, नोट कर लेना, क्योंकि इनका यूज हम लोग आगे चल के कई टॉपिकों में करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर हमसे दे दिया कि ए की इनकम बी की इनकम से 33 इंटीजर 1/3% ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस कैसे किए जाते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज बेसिक इसका। अब जैसे कि अगर हम बात करें, दो पर्सन है ए और बी, अब बेसिक क्वेश्चंस आपने परसेंटेज के टॉपिक्स में देखे होंगे, कंपैरिजन वाले होते हैं कि ए इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन फाइंड हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए, यानी कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब यहां से बात को समझना, अगर 200 रुपए कमा रहा है तो ए कितने कमाएगा उससे 20 ज्यादा, यानी कितना हो गया 120। ठीक, अब हमसे कहा गया कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहां से आप रेशियो बनाओगे तो रेशियो क्या बनेगा, 6 और 5 का, यानी बी 5 रुपए कमा रहा है, ए 6 रुपए कमा रहा है। हमको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां से देखा जाए तो 6 से कितना कम, इसके पास 1, तो वाट परसेंट ऑफ 6 इक्वल्स 1, एक तरीका आपका ये हो जाएगा 6 का कितना प्रतिशत बराबर 1। अब यहां से 100/6 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3/50। अब फिर 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 6 18.66%। बात को ध्यान से समझना, हमसे कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट किया इसको, अगर ये 100% कमाता है तो ये 20% मोर गेन करेगा इससे, यानी 120%। अब इनका जब हम रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बनेगा 6:5। अब बताना क्या हमको कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो अब जरा हम यहां पर तुलना करें, बी की तुलना करें हम ए से कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अब यहां से हम देखेंगे तो 6 का कितना प्रतिशत बराबर 1, तो यहां पर आंसर होगा हमारा 16.66%। लेकिन यहां देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो इसकी बजाय इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो हमारा आंसर विद इन 1 to 2 सेकेंड आएगा, या 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। अब देखो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो होती है 1/5, 1/5। अब हम बी की इनकम मानेंगे 5 और इससे 1 ज्यादा तो कितनी हो जाएगी, 6, और 5 से कितनी कम है, 1, यानी 1/6, और 1/6 कितना परसेंट होता है, 16.66% या 16 integer 2/3%। तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं आगे, अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कहते हैं कि ए की इनकम मान लेते हैं हम 25% ज्यादा है बी से, ठीक, तो बी की कितनी होगी 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 125%। फिर रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा, 5 और 4 का। अब ये बताना है कि बी की इनकम ए के इनकम से कितने परसेंट कम है, तो यहां पर फिर से हम फोकस करें, 25% होता है हमारा 1/4, अब 4 के मुकाबले 1 ज्यादा है यानी कितना हो जाएगा, 1/5, और 1/5 क्या होता था,
20%, तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20%। फिर से समझना क्वेश्चन को, हमसे कहा गया है इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी, यानी ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब 25% के हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है 1/4, और 4 से 1 ज्यादा यानी कितनी हो जाएगी 5, और 1/5 कितना होता है हमारा 20%। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे।